अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपको शोल्डर प्लीटेड डिज़ाइनर कमीज़ बनाना सिखाएंगे, जो फ्रंट ओपन स्लिट होगी और इसका नेक लाइन बी कॉलर शेप में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हमने डिज़ाइनर कमीज़ बनाने के लिए ये सिल्क का पीस लिया है। ये हमारे पास डबल साइड सेम है, तो इसको हम प्लीट्स दे के फ्रंट साइड बनाएंगे और ये हमारी बैक साइड है और ये हमारे स्लीव्स हैं। तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग कर देंगे। ये तमाम पीसीज जॉइंट हैं, तो हम यहाँ से कैंची से काट के इनको अलग अलग कर देंगे। अब हम ये स्लीव्स को अलग करेंगे। अब हम ये बैक पार्ट को अलग करेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारा फ्रंट साइड का डबल पार्ट है, तो यहाँ सेंटर से ओपन रखने के लिए हम यहाँ पे डेढ़ डेढ़ इंच दोनों साइडों को इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करेंगे और अंदर की तरफ टर्न करने के बाद हम इनको ओवरलैप करेंगे इस तरह से। तो व्यूअर्स, ये हमने डेढ़ इंच इस्त्री से दोनों साइडों को अंदर की तरफ टर्न कर लिया है। व्यूअर्स, अब हमें ऊपर से गले की कटिंग के लिए यहाँ पे निशान लगाना है, तो हम इन दोनों साइडों को इस तरह से उल्टा करके तो इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे हम गले की कटिंग के लिए साइज़ लेंगे। तो यहाँ से हमें 3.5 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से हमें 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब हम इसको खोलेंगे और वापस उसी तरह से हम इसको ओवरलैप करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमने जो निशान लगाया है, यहाँ पे हम पहले प्लीट को हम इस तरह से कपड़े को पकड़ के तो इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से टर्न करेंगे और फिर दूसरे प्लीट को भी हम इस तरह से पकड़ के इस तरह से ऊपर टर्न करेंगे, इसके ओवरलैप करेंगे। इसी तरह तीसरे प्लीट को पकड़ के इस तरह से टर्न करेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम गले का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ शोल्डर पे प्लीट्स देंगे। तो हमने यहाँ कपड़े के अर्थ के हिसाब से 3-3 इंच के फासले पर ये कट लगाए हैं। तो अब हम पहले कर 3 इंच के मार्जिन को इस तरह से सेंटर से पकड़ेंगे और इस निशान के ऊपर टर्न करेंगे। तो हमारा ये पहला प्लीट तकरीबन 1.5 इंच का होगा। हाफ प्लीट पे हम यहाँ सिलाई लगाएंगे और हाफ प्लीट को हम इजाफी इस्त्री से सेट करेंगे। फिर पहले प्लीट को हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह इसके ऊपर टर्न करेंगे। तो यहाँ पे हम पिन लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे जो हमने मार्जिन लिया है 3 इंच का, इसी तरह से हम इसको सेंटर से पकड़ेंगे और इस तरह से इसके ऊपर टर्न करेंगे और यहाँ भी पिन लगाएंगे। इसी तरह से तीसरे मार्जिन को हम सेंटर से पकड़ेंगे और इस तरह से टर्न करेंगे। इस तरह से अब हम चौथे को करेंगे टर्न। तो व्यूअर्स, इसी तरह से हम पांचवें को भी इस तरह से टर्न करके तो यहाँ पिन लगाएंगे। तो इसी तरह से ये प्लीट्स नीचे तक शोल्डर पे इस तरह से सेट होंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारे प्लीट्स इस तरह से शोल्डर से लेके नीचे तक पूरी कमीज़ पे दोनों साइडों पे सेट होंगे। तो व्यूअर्स, अब हमने ये नीचे वाली साइड को भी इस तरह से इस ऊपर वाली साइड के ऊपर रख के तो यहाँ पे हमने जहाँ पे हमने पहले कट के निशान लगाए थे, इसी तरह हमने दूसरी साइड को भी यहाँ पे कट के निशान लगाए हैं।
अब हम इसी तरह से जैसे हम पहले प्लीट को यहाँ सेंटर से पकड़ के इस तरह से टर्न करेंगे, तो यहाँ हाफ इंच के करीब हम सिलाई लगाएंगे। बाकी ये हाफ इंच के करीब हमारा जो प्लीट है ये इस तरह से टर्न रहेगा। तो इसी तरह से हम दोनों को यहाँ से पकड़ेंगे और इसी तरह से हम नीचे से भी इस तरह से इसको टर्न करेंगे। और अब हम इस तरह से इसको टर्न करके यहाँ पे इस तरह से इसको सेट करेंगे। तो ये तो हम दोनों साइडों पे हमने कट लगाए हैं, तो अब हम इस तरह से पहले प्लीट को सेट करेंगे। अपने पहले प्लीट को ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से सेट करके इस तरह से पिन अप कर लिया है। अब हम यहाँ नीचे हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरे प्लीट को इस तरह से पहले प्लीट के ऊपर टर्न करेंगे, यहाँ ऊपर से भी और यहाँ नीचे से भी हम इस तरह से टर्न करेंगे और सबसे पहले इसको इस तरह से सेट करेंगे और फिर यहाँ पे अंदर की तरफ हाफ इंच के करीब सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ इसको इस तरह से टर्न करके यहाँ इस तरह से इसको सेट करेंगे। फिर अब हमने दूसरे प्लीट को इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक सेट कर लिया है। अब हम यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह से इसको ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे पिन लगाएंगे। अब ये पिन लग चुके हैं। अब हम यहाँ अंदर की तरफ हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ हाफ इंच से सिलाई लगाएंगे। हम तीसरे प्लीट को इस तरह से पकड़ के दूसरे वाले के ऊपर इस तरह से टर्न करेंगे, यहाँ ऊपर से भी और इसी तरह से यहाँ नीचे से भी यहाँ से पकड़ के हम इस तरह से इसको टर्न करेंगे। इसको टर्न करने के बाद हम इसको इस तरह से सेट करेंगे और उसके बाद अंदर की तरफ हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। और ये जो तय हमने इस तरह से सेट की है इसको हम इस तरह से इसके ओवरलैप करके तो यहाँ पे पिन लगाएंगे। अब हम यहाँ अंदर हाफ इंच के करीब सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने अपने तमाम प्लीट सेट कर लिए हैं। अब हम अपना आधी प्लीट दोबारा आपके सामने सेट करेंगे। तो पहले की तरह हम यहाँ से यहाँ जो हमने कपड़े को कट लगाया है यहाँ से पकड़ के यहाँ से भी और यहाँ नीचे से भी इधर से पकड़ के हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे। इस तरह से टर्न करने के बाद हम यहाँ इस तरह से इसको सेट करेंगे।
तो अब हम पहले की तरह इसको भी इस तरह से पकड़ के हम पहले के ऊपर टर्न करके इस तरह से यहाँ पिन लगाएंगे। व्यूअर्स, हमारा ये आखिरी प्लीट भी सेट हो चुका है। अब हम यहाँ अंदर की तरफ हाफ इंच पे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, ये हमारे एक साइड के शोल्डर पे प्लीट सेट हो चुके हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी यहाँ शोल्डर पे प्लीट सेट करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से आर्म होल और साइड की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, हमारे कंप्यूटर में फॉल्ट की वजह से हमसे कमीज़ की कटिंग की वीडियो मिसप्लेस हो गई है, जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो हम आपको अखबार पर सिखाएँगे कि हमने किस तरीके से कमीज़ की कटिंग की। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने एक साइड पे प्लीट दिए थे, यहाँ पे हमने सेंटर में 1.5 इंच कपड़े को अंदर दोनों साइडों पे फोल्ड किया था। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड में भी प्लीट दिए थे। फिर हमने पहली साइड के ऊपर इस तरह से दूसरी साइड को इस तरह से उल्टा करके रखा, और यहाँ से हमने अपने तीरे का साइज लिया था। व्यूअर्स, हमारा तीरा है 16 इंच, तो हम यहाँ 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और हमारा आर्म होल है 9 इंच, तो हम यहाँ 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, और यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे, और इस तरह से आर्म होल की शेप देंगे। और यहाँ से हमारी फिटिंग है 20 इंच, तो हम यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ से जब कमीज़ ओवरलैप होगी तो हमारी फ़िटिंग कम ना हो, इसलिए हम अपनी फ़िटिंग से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम यहाँ 11 इंच पे निशान लगाएंगे। और हमारी कमर है 19 इंच, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ हिप के माप से भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम यहाँ 11 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे शेप बनाएंगे। हम यहाँ से कटिंग करेंगे, और यहाँ से भी कमीज़ को एयरलाइन की शेप देंगे। इसके बाद हमने दोबारा इन दोनों हिस्सों को इस तरह से सेट किया। इस तरह से ओवरलैप करने के बाद हमने नीचे बैक पार्ट को इस तरह से सेट किया। इस तरह से सेट करने के बाद हमने यहाँ पे जो गले के लिए निशान लगाए थे, यहाँ पे इस निशान तक और यहाँ पे इस निशान तक हमने तीरे की सिलाई लगाई थी। और इसके बाद फिर हमने दोनों साइडों पर साइड की सिलाइयाँ लगाई, और इसके बाद हमने स्लीव्स को सिंपल तरीके से ही कट किया था। और अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। और यहाँ पे हमने प्लीट्स के ऊपर इस तरह से बड़े स्टिचेस की सिलाइयाँ लगाई थी, ताकि ये प्लीट्स अपनी जगह पे सेट रहें।